गाइस दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। आगे हम बीएससी फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2022 जो कि आपका होने वाला है ओपन इलेक्टिव मेजर माइनस सेकंड भूवर्ग शास्त्र मतलब जियोलॉजी का सेकंड एग्जाम पेपर मॉडल पेपर लेकर आ गया हूँ। आज हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, इसके आईएमपी क्वेश्चन जो कि फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ और फाइव यूनिट के, जो कि इनके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि आपके दोस्तों को भी हेल्प मिल सके। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। और टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप ज्वाइन कर लेना। अगर टेलीग्राम की लिंक ज्वाइन ना हो तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी टेलीग्राम मतलब डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाल दिया है, आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको टेलीग्राम पर ऐड कर दूंगा। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर जो जियोलॉजी का है, यहाँ पर क्रिस्टलीय अक्ष और अक्षय कोण को समझाइए। यहाँ पर हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है, ठीक है। सेल के निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए, खनिज में प्रकाशीय गुणों को समझाइए, ठीक है। अगर आप इन क्वेश्चनों को करके जाते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं निम्न पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। निम्न पर टिप्पणी लिखनी है, यहाँ पर पॉलराइड द्वि अपवर्तन, ठीक है, बहुरूपता और कूट रूपता। फोर्थ है आपका क्रिस्टलीय तत्व। क्वेश्चन पांचवा है आपका मिलर सूचांक और वॉइस सूचांक क्या होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन छठवा है आपका ध्रुवीय ध्रुवण सूक्ष्मदर्शी क्या है, इसके भाग कार्यों का वर्णन कीजिए। स्थल मंडल में पाए जाने वाले प्रमुख संगठनों को समझाइए, ठीक है। ये हमारे साथ क्वेश्चन थे, अब चलते हैं आठवें क्वेश्चन की तरफ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको ऐसे ही जो है हेल्पफुल वीडियो मिलती रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर आठवा क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश के खनिज विज्ञान में अपवर्तनांक क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन को समझाइए। क्वेश्चन नौवा है आदमी कायांतरित और अवसादी सेल की सामान्य विशेषताएं लिखिए, ठीक है। आपने जरूर अच्छे से देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ग्यारहवा है क्वेश्चन दसवा है हमारा क्रिस्टलीय विज्ञान किसे कहते हैं, इसके नियमों को लिखिए, ठीक है। खनिज क्या है, खनिजों में बंधन को समझाइए। निकोल प्रिज्म के निर्माण और उसके कार्यों को समझाइए। इंग्लिश मीडियम वाले भी यहाँ पर देख सकते हैं आप, ठीक है। निम्न पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। यहाँ पर निम्न पर टिप्पणी लिखिए, समाकृति कृति कर्ता और ठोस विलयन, ठीक है। अंतराफलक कोणों की माप का नियम। और हमारा थर्ड है यहाँ पर अयस्क खनिज निर्माण, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन चौदह है, निम्न का वर्गीकरण संरचना भौतिक प्रकाश गुणों का अध्ययन कीजिए, ठीक है। इनके इनके जो है अंतर्गत करना है, यहाँ पर गार्नेट और अवक्रमक, ठीक है, आक्रमक। यहाँ पर पाइरोक्सीन बा एम्फ्यूवोल, ठीक है, फेल्डोस्पोर और सिलिका। यहाँ पर जो हमारे क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म होते हैं। अगर आप इन क्वेश्चन को करके जाते हो तो आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और वीडियो को लाइक जरूर करना, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपको किस तरह की जो है इसमें दिक्कत आएगी, तो मैं आपकी जो है सॉल्व कर दूंगा। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।